और हमारा बेटा भी आ चुका है, तो इस फादर्स डे पर जो है दो दो फादर यहाँ पर मौजूद है, एक जो हमारे पिता है और इस साल हमें भी फादर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इंतजार कर रहे हैं उस समय का जब वह बड़ा होगा और मुझे आकर के बोलेगा हैप्पी फादर्स डे। उस पल का इंतजार है और बाकी पापा के लिए आज कुछ गिफ्ट लिया है हमने। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने स्नेह ब्लॉग में। तो जी अभी हम आए हुए हैं फील्ड खेलने के लिए, नहीं क्योंकि अभी ऐसा कंडीशन है नहीं कि हम खेल सके, आए हुए अपने दोस्तों से मिलने के लिए। तो देख सकते हैं ये लोग अपना नेट पर खेल रहा है, कुछ ही देर में खेल खत्म होगा तो हम लोग बाहर थोड़ा निकलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। जी हम गए तो थे दोस्तों से मिलने के लिए, देखा होगा कुछ देर पहले, लेकिन हुआ क्या, इतनी तेज बारिश होने लग गई पूछिए मत। तो हम लोग जो है जल्दी जल्दी भागे अपने अपने घर, इससे पहले कि हम लोग जो है थोड़ा सा यहाँ पर फंस जाए, क्योंकि आजकल बारिश होती भी है तो अच्छा खासा देर तक चलता रहता है बारिश, कम से कम 2-3 घंटे, ताकि उतने देर फंस जाएंगे यहाँ पर, इससे घर ही निकल जाते हैं। तो हम जो है घर आ गए हैं और यहाँ पर जो है अब इन्वर्टर का कनेक्शन लग रहा है, जो मेन पॉइंट है वो यहाँ पर लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर इन्वर्टर है, इसके नीचे बैटरी है। अच्छा जिया की प्रेगनेंसी का समय आया है जी, जिंदगी तो बदल ही गई है, समय तो जिंदगी का भाग दौड़ तो अलग हो ही गया, लेकिन स्पेशली जब से डिलीवरी हुई है, डिलीवरी के बाद तो जिंदगी और भी अस्त व्यस्त हो गई है। ऐसे में अपना ख्याल रखना होता है, जिया को बेबी का ख्याल रखना होता है, भले हम लोग सपोर्ट में है, फैमिली भी सपोर्ट में है, लेकिन खुद भी कुछ ख्याल रखना होता है। तो इन सब भागा दौड़ी के बीच में जी जिया का जो है स्किन और हेयर को लेकर के बहुत प्रॉब्लम हो गई, जानते हैं कॉम्प्लिकेशन आते हैं बहुत सारे शरीर में, पूरा डैमेज हो गया था। और आप जानते हैं कि आप इस समय में कहीं बाहर जाना पॉसिबल नहीं, और ऊपर से जी गूगल पर जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होता है, जो सर वहाँ पर करना होता है, इतना भी समय नहीं मिल पाता है अभी कि सर्च करे और वहाँ पर कौन सा उपाय सही है कौन सा गलत है। तो ऐसे में सोच रहे थे कि किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से ही सीधा कंसल्ट कर लिया जाए और वो भी घर बैठे बैठे। इस समय में सबसे ज्यादा हमारी हेल्प की है तो क्योर स्किन ने, क्योर स्किन से बहुत ज्यादा हेल्प हुआ, वहाँ पे हमने ट्रीटमेंट करवाया, ऑनलाइन वहाँ करवाना होता है। इसमें आपको क्योर स्किन ऐप के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि क्या है क्योर स्किन, तो उसके ऊपर हम एक डेडिकेटेड वीडियो बना के हैं, तो उसका लिंक हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, वो आपको बता दे। तो हमने क्योर स्किन से हेल्प ली है और वहाँ पे हमें बहुत ज्यादा फायदा हुआ। उन्होंने ट्रीटमेंट करवाने के बाद हमें एक किट रिकमेंड किया था, किट भी हमने मंगवा लिया और एक किट आपको 3-4 महीने आराम से चल जाता है। क्योर स्किन की हमें जो खास बात लगती है, वहाँ पर ट्रीटमेंट तो आपको मिलता है, ट्रीटमेंट के साथ साथ जो भी आपको किट रिकमेंड किया जाता है वह तो किट आप मंगवा लेते हैं, इसके साथ साथ आपको लाइफ स्टाइल को लेकर भी आपको बहुत सुझाव देते हैं कि आपका क्या लाइफ स्टाइल रहना चाहिए, आपका क्या डाइट रहना चाहिए, या प्रेगनेंसी को लेकर भी उन्होंने बहुत अच्छे डाइट प्लान सब सजेस्ट किया। जैसे क्या क्या कहा था, सही कहा था कि पानी ज्यादा से ज्यादा पिया करो, हमें बताया उन्होंने पानी कम से कम 4 लीटर जरूर पिए आप, इससे आपके स्किन पे बहुत ग्लो आएगा और स्किन पे जो भी प्रॉब्लम हो रहा है वो सुधार आएगा। खाने को लेकर भी कहा कि फ्रूट्स ज्यादा से ज्यादा खाए, तो इस तरह करके उन्होंने रिकमेंड किया, बहुत चीजें रिकमेंड किया है। ट्रीटमेंट के बाद ये जिया का तो हम देख रहे हैं असर हुआ है, पहले तुम्हारा बहुत हेयर फॉल हो रहा था, बहुत ज्यादा हेयर फॉल, ऐसे छूते थे कि पूरा हाथ में बाल आ जाता था, अभी आप देख सकते हैं बहुत कम हुआ है, मतलब रुक ही गया है, और पहले स्किन पे भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गया था। अभी मैं आपको स्कैन करके दिखाती हूँ पहले के मुताबिक अभी कितना सुधार हुआ है। तो फिर आप देख सकते हैं जी जिया का स्कैनिंग हो गया, सिर्फ 2 जगह डिटेक्ट हुआ है, पहले तो जिया का पूरा फेस भरा हुआ था, हमको लगता है और यूज करेंगे ना तो बहुत फायदा होगा, अच्छा फायदा होगा, और सच में जी इतने कम टाइम में इतना अच्छा रिजल्ट आया हुआ है। तो देखा आपने जिया को कितना फायदा हुआ है, और सबसे अच्छी बात क्या लगता है कि यहाँ पर वो सब लगातार फॉलोअप लेते रहते हैं और उस फॉलोअप कंसल्टेशन का आपको कोई भी फीस पे नहीं करना होता है, सबसे अच्छी बात यही है। तो जी हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे साथ हमारे फैमिली वाले हैं जो इतनी ज्यादा केयर करते हैं, हस्बैंड है इतने अच्छे जो हमारे, और फैमिली के साथ साथ जो है जिया को केयर करने के लिए डॉक्टर भी मिल गया, वो भी फ्री का डॉक्टर, के लिए जिया को कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता, जिया का क्या लाइफ स्टाइल हो, क्या डाइट हो, सब कुछ इनको गाइडेंस मिल जा रहा है, एक प्रॉपर डॉक्टर का गाइडेंस। तो अगर आप लोग भी अपने हेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप लोग जरूर जाइए, तो आप लोग क्योर स्किन को डेफिनेटली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जी, उसका लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन, हमारे लिंक जो है आप जो उस ऐप को जाकर के डाउनलोड कर लीजिए, और साथ में हमारा कूपन कोड इस्तेमाल कर लीजिएगा GSR100, तो आपको फर्स्ट ऑर्डर पर 100 रुपीज का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो जिया वहाँ पर अपना भोजन कर रही है जी, बाबू को लेकर के गई हुई है मम्मी ऊपर, तो बाबू जो है अपनी दादी के साथ बहुत मजे में खेलता है, तो दादा दादी जो है अपना खाना खाने के बाद जब भी जाती है ऊपर वॉक करने के लिए, तो बाबू भी साथ में चले जाता है, बाबू जो है नीचे आ गया, जैसे ही दादी बैठी रोना स्टार्ट कर दिया, मुझे टाइम नहीं, देखो फोटो खींच बैठे, देखो कैमरा देखा आराम से, बाबू कैमरा में आ रहा है, ये भी ब्लॉगर बनेगा। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग? यहाँ पर बालक को देख सकते हैं, इसका जो है मसाज हो चुका है, उसके बाद एकदम मजे में है, यह लाइट देख रहा है।
बताइए। वहाँ से बल्ब जला हुआ है, उसको बार बार ये घूर रहा है। बउआ 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 क्रियांश क्रियांश ओए होए होए पैर जो मार रहा है, ओए भाई साहब पैर जो मार रहा है। साइकिल चला रहा है, साइकिल बॉलिंग कर रहा है ये। ओ भाई साहब बहुत थक गया है। अभी देख रहे हैं हमारा जो बउआ है आराम से पालने में बैठा हुआ है। हाँ जी बैठा नहीं हुआ, लेटा हुआ है और मजे में घूम रहा है। अभी कुछ देर पहले सोया हुआ था और इतना जोर से चिल्लाया कि पापा थे बाथरूम में, भागे बाथरूम से सब कुछ छोड़ करके। और ये देखिए सारा अपना काम छोड़ करके सेठ साहब के पीछे लगे। देख रहे सेठ साहब हार तो देखो भाई साहब। ओह ओह बॉलिंग कर रहा है, बॉलिंग कर रहा है, बॉलिंग कर रहा है। आ गए हैं जी छत पर, कुछ कपड़ा लेना था यहाँ पर तो लेने तो आ गए। और आज हमें ध्यान आया कि आज तो फादर्स डे है, हमें पता भी नहीं था कि फादर्स डे है। अचानक किसी का पोस्ट देखा था हमने इंस्टाग्राम पर, तो हैप्पी फादर्स डे जो भी फादर बने हुए हैं। और हम भी इस साल फादर बन गए जी, हमें भी यह सौभाग्य मिला। और सोच रहे हैं कि जब फादर बने हैं ही तो एक सेलिब्रेशन तो बनता है, छोटा सा ही सही लेकिन सेलिब्रेशन जरूर बनता है। तो जाते हैं सेलिब्रेशन में, सबसे पहले ध्यान आता है मंदिर जा करके पूजा करना और एक केक मंगा लेना। तो केक का ऑर्डर दे देते हैं शुगर फ्री केक, ताकि मम्मी पापा सभी खा पाए, वो लोग शुगर पेशेंट हैं। और यहाँ कौवा महाराज बगल में ही आ गए हैं। हैप्पी बर्थडे टू तो अभी बच रहे हैं जी 3:30 और अब निकलते हैं मार्केट। मार्केट से जाकर के जो है अपना कुछ भी सामान जो भी है सेलिब्रेशन के लिए वो लेकर के आते हैं। और घर में जो है सिर्फ मम्मी को पता है इसके बारे में और किसी को भी नहीं पता है, तो एक सरप्राइज ही रहेगा सभी के लिए। तो आगे है जी दुकान, ज्यादातर हम जो है केक यहीं से उठाते हैं, तो जा करके सीधा अंदर लेते हैं। कितना हुआ? 160। ले लिया जी सारा सामान, जो भी सामान लेना था। आप सीधा चलते हैं घर, देरी नहीं करते हैं। तो सारा सामान तो आ गया है फाइनली, और हमने जो है मम्मी को फोन कर दिया है कि सभी को ऊपर लेकर गया जाओ। मोनू है, रितु है, पापा है, सभी लोग हैं। पापा को जो अभी तक पता भी नहीं है कि यह सब जो है हमने प्लान कर रखा है, उनका रिएक्शन देखेंगे कि कैसा रहता है। याद होगा कि फादर्स डे, तो उनको लगता ही होगा कि कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन होगा, क्योंकि अगली बार भी हम लोग सेलिब्रेशन किए थे, तो ये ही याद नहीं होगा क्या फादर्स डे। ये ध्यान नहीं होगा। बाबू के चाचा चाची भी यहाँ आ चुके हैं, बस इंतजार है डैडी के आने का। डैडी को पता भी नहीं है कैसा कुछ प्लान है, लेकिन अब जो है पता चल ही जाएगा जब उनको बुलाया जा रहा है ऊपर स्पेशली। अभी तो बाबू बोल नहीं सकता, बाबू आज फादर्स डे है। बोलो हैप्पी फादर्स डे। बिल्कुल ही नींद से उठा है ये, तो देख सकते हैं। ओ भाई साहब अभी नहीं आना चाहता कैमरा के सामने, हाथ आगे किया हुआ है। कैमरा फिर सोना है क्या इसको? ये नया आदत सीखा है अभी, मुँह में थूक लाना। तो फाइनली जी सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं, पापा भी आ चुके हैं और हमारा बेटा भी आ चुका है। तो इस फादर्स डे पर जो है दो दो फादर यहाँ पर मौजूद हैं, एक जो हमारे पिता है और इस साल हमें भी फादर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो ज्यादा देरी नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं सेलिब्रेशन को। पहले हम थे, भगवान की कृपा है, पिता स्क्वायर। अच्छा पिता स्क्वायर हो गए, इतनी बड़ी सौभाग्य की बात है। अब भगवान करे इसी तरह सबका परिवार आगे बढ़ते रहे, साथ में ईश्वर हमको भी रखे। इसलिए पिता को पिता बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
तो फादर्स डे तो सेलिब्रेट कर लिया जी, छोटा सा सेलिब्रेशन था हमारी तरफ से। जितना फादर्स डे होता है सब तो खास होता है ही, लेकिन यह फादर्स डे हमारे लिए कुछ ज्यादा खास रहा। अपने से जो भी सब्सक्राइबर हैं, जो भी पहले से वीडियो को देखे आ रहे होंगे, आपको तो समझ आ रहा होगा क्यों। और अभी तो हमारा बाबू छोटा है, इंतजार कर रहे हैं उस समय का जब वह बड़ा होगा और मुझे आकर के बोलेगा हैप्पी फादर्स डे। उस पल का इंतजार है। और बाकी पापा के लिए आज कुछ गिफ्ट लिया है हमने, तो उस गिफ्ट को इस ब्लॉग में तो नहीं दिखाएंगे, नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि हमारा कोई भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, और जाने से पहले एक बार फिर से हैप्पी फादर्स डे।